Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. प्रधानमंत्री मोदी के अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को देश के जनता से संवाद करने के लिए की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया था। वे जनता के सवालों के जवाब भी दिए थे। इस कार्यक्रम के हर एक एपिसोड में श्रोताओं की संख्या बढ़ी है। इतना ही नहीं, कई सामाजिक अभियानों को गति दी गई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वच्छता अभियान भी इसी कार्यक्रम के जरिए सफल हुआ। इस दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह बताया। देखिए, 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड, 100वां संस्करण ये प्रसारित होने वाला है। 3 अक्टूबर 2014 को इसका पहला जो एपिसोड था वो प्रसारित किया गया था, और तब से निरंतर विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर के देश के जन जन तक एक प्रेरणादायक विषयों की चर्चा करते हुए लोगों की जन सहभागिता राष्ट्र निर्माण के अंदर सुनिश्चित करना, उनको प्रेरित करना, ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि दुनिया भर के अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें जो देश के प्रमुख हैं राजनीतिक दृष्टि से, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस प्रकार का कोई संवाद जनता के साथ कोई करता हो, ये वास्तव में अद्भुत है। और उसका परिणाम सब जगह दिखाई देता है। आपने देखा, कोरोना का विषय हो, चाहे वो सेवा का विषय हो, चाहे वो अन्य भी कोई संकट देश के अंदर आए उसका की बात हो, या विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कहीं ऑर्गेनिक खेती की बात हो, जैविक खेती की बात हो, जलवायु की बात हो, पानी की बात हो, प्लास्टिक की बात हो, ऐसे अनेक सारे विषय निरंतर प्रधानमंत्री जी ने उठाए। लोगों ने रुचिपूर्वक उनको सुना, उनके श्रोताओं की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई, और एक वास्तव में एक अद्भुत जिस प्रकार का कार्यक्रम देश के अंदर हुआ है उसका परसों 100वां एपिसोड है। महानगर के अंदर लगभग 150 स्थानों पर हम लोग आयोजन करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष ने भी बताया उस बात को, इसको सुनने का, और यहाँ पर मैं भी सांसद के नाते हमको भी एक ये कहा गया है कि हम एक कार्यक्रम करें जिसमें क्षेत्र के प्रमुख लोग भी उसमें उपस्थित हों। तो कुल मिलाकर के अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मन की बात पहुँचे, इस प्रकार का आयोजन 30 अप्रैल को सिक्के का भी उसमें जारी किया जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये वैश्विक इतिहास के अंदर मैं समझता हूँ अद्भुत घटना है। इस प्रकार के लोकतंत्र का जो प्राण है संवाद, उस संवाद को कैसे जो प्रधानमंत्री हैं वो स्थापित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित करते हैं, उन समस्याओं का हल भी करते हैं, तो उसके स्मृति में 100 और देखिए ये बहुत आपने मतलब मेरठ का के लिए का 99वें एपिसोड अब तक हो चुके हैं, और जो मुझे स्मरण आता है 9 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के इस प्रकार के व्यक्तियों का, व्यक्तित्वों का, संगठनों का जिक्र किया है जो सामाजिक सेवा के काम में लगे हुए हैं। अब जैसे गौतम पाल हैं, फुटबॉल बनाते हैं, उनका जिक्र हुआ। छोटी सी बच्ची ईहा है जो वृक्षारोपण के लिए समर्पित है, उनका जिक्र हुआ। पहले एक प्रयास डॉक्टर बेम्बी, डॉक्टरों का पूरा समूह है जो स्वच्छता और दीवार की पेंटिंग के अंदर काम करता था, उनका जिक्र हुआ। हमारी जो धावक है प्रियंका गोस्वामी, उसका जिक्र हुआ। 60 क्लब 60 जो महेश रस्तोगी जी शास्त्री नगर में, और ये बड़ा अद्भुत काम करते हैं, ये प्रेरणादायक काम होते हैं। वो वहाँ करते तो बाकी जगह भी हो सकते हैं, उसकी उन्होंने चर्चा की। कबाड़ से जुगाड़, उसको उन्होंने जिक्र किया। और सना खान जो केंचुए से खाद बनाती है उसकी चर्चा उन्होंने की। और आधारशिला लैब जो मोहिद्दीनपुर में, उसकी उन्होंने चर्चा की। और कोरोना के समय में विजय और उनकी सारी टीम जिस प्रकार से भोजन पहुँचाती थी, सेवा करती थी, उसको उन्होंने चर्चा की। अने 9 बार 99वें एपिसोड में 9 बार प्रधानमंत्री जी ने हमारे मेरठ के भी इन समाज सेवियों को, छोटी आयु के, बड़ी आयु के, प्रत्येक वर्ग के लोगों की चर्चा की। तो हम उनका भी अभिनंदन करते हैं जिनके कारण से मेरठ का नाम हुआ, और प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने मेरठ के इन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करके हमको प्रेरणा दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट
टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वैलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ।